नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, और सबसे पहले बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की जल्द हदबंदी की बनी यहां पर उम्मीद बनते हुई नजर आ रही है, और उसी के साथ अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की मांग बात करते हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी वोटरों की जानकारी मांगी है, और उसी के साथ साथ पैनल ने सभी 20 जिलों के डीसी को पत्र भी लिखा है, और साथ ही साथ जितने भी वोटर हैं उनकी जानकारी डिलिमिटेशन कमीशन ने मांगी है, और 20 जिलों के जितने भी डीसी हैं उनसे पत्र मांगा है, और उसमें पूरी जानकारी उनसे मांगी गई है। और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण की कमी आने पर होगा कमीशन का दौरा, और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की जिस तरीके की अभी लहर चल रही है उसमें जिस तरीके की कमी अगर थोड़ी सी भी महसूस की जाएगी, तो उसके बाद कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर में हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद जी यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए विनोद जी की तरफ रुख करते हैं, और विनोद जी से जानते हैं कि आखिरकार ज्यादा जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। विनोद जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो 20 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीसीज हैं उनसे जानकारी पूरी पूर्ण तौर पर मांगी जा रही है, तो उस बीच क्या लग रहा है कि एक साल के बीच में जो डिलिमिटेशन कमीशन है, क्या उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आ जाएगा या नहीं? हाँ बिल्कुल बल्वी, आपने ठीक कहा कि ये जब आप देखेंगे सभी डिप्टी कमिश्नर जितने भी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको लेटर लिखा जाता है कमीशन की तरफ से, डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से, और उनसे डिटेल मांगी जाती है कि डेमोक्रेसी कैसी है आपकी, वहाँ का वोटर कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। इस सारी जब इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, तो मुझे लगता है कि सारे मामले को एक्सपेडाइट कर दिया गया है। जैसे जो चीफ सेक्रेटरी ने आते ही सभी डिप्टी कमिश्नर्स की मीटिंग ली थी, उसके बाद लेटर्स आती हैं, तो इसका सीधा सीधा ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन को जल्द से जल्द तैयार करने वाला है। पहले भी आपको बता दूं कि 6 मार्च को 2020 में कमीशन गठित हुआ था, और उसके बाद 6 मार्च 2021 को एक साल की और एक्सटेंशन मिली है। तो मुझे लगता है कि 2 साल का कार्यकाल काफ़ी होता है, और जल्द ही रिकमेंडेशन पब्लिक डोमेन में डालेंगे। जिसको कोई ऑब्जेक्शन होगा वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। जी बलवीर, एक और बात देखेंगे, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव यूटी यहां पर बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि पॉलिटिकली बात करें या फिर हर तरीके से बात करें तो बहुत से सेंसिटिव इशू हैं। उस बीच अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करते हैं खास तौर पर, तो जम्मू डिवीजन के लोगों को शुरुआत दौर से यही लगता था कि जम्मू के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है। अब जब डिलिमिटेशन यहां पर हो रही है, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन लेटर जो पेश किया जाएगा, तो क्या लगता है कि इस बार जम्मू को जो जस्टिस है वो मिल पाएगा या नहीं? इसको लेकर के काफी सारी सियासी जमातों ने अपना वोट बैंक भी कंसोलिडेट किया था कि जम्मू खित्ते के साथ डिलिमिटेशन के दौरान पक्षपात होता रहा है। उनका ये कहना था, अगर हम एग्जांपल ही दें, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी ज्यादा बड़ी है, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी ज्यादा बड़ी है, और अगर हम दूसरी तरफ कश्मीर की देखें, बड़गाम जिले की देखें, गांधरबल की देखें, वो छोटी छोटी कम पॉपुलेशन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि कश्मीर खित्ते के साथ डेलिब्रेटली जम्मू खित्ते के साथ कश्मीर ने पक्षपात किया है। अब यह है कि तौर तरीके बदले हैं, निजाम बदला है, सरकारें बदली हैं, पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनी थी, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को, जम्मू संभाग, जम्मू खित्ते के लोगों को इतना भरोसा है कि जो नया रिकमेंडेशन आएंगे, जो कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा, उस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन में इस बात का जरूर ख्याल रखेगा कि 70 सालों से जम्मू खित्ते के साथ लगातार पक्षपात होता आ रहा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा होने के बावजूद 20 सीटें कम मिलती रही हैं, और 70 साल का ये इंसाफ। अब उन लोगों को ये उम्मीद है कि ये कमीशन अपनी रिकमेंडेशन से उस इंसाफ को दरकार, जो इंसाफ की दरकार है, उसको पूरा करेगा। तो वही मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा विनोद जी, कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं भी इनएक्टिव सी नजर आती है, खासकर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो बहुत इनएक्टिव वो इन दौर पर नजर आई थी, लेकिन जब डिलिमिटेशन की बातें शुरू हुई हैं तो जो एक्टिवनेस है या जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है, तो यहाँ पर इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए पल्लवी, आपने ठीक कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने बायकॉट किया,
ये पांच एसोसिएट्स मेंबर्स रहते हैं जो एमपीज हैं हमारे यूटी जम्मू कश्मीर में। इसमें पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जुगल किशोर ये बीजेपी के कोटे से हैं, इन्होंने पहली मीटिंग अटेंड की। लेकिन जो तीन अन्य मेंबर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन, हसनैन मसूदी, इन तीनों ने बायकॉट किया। ये कह के बायकॉट किया कि जो कमीशन है उसका काम करने का तौर तरीके से वो खुश नहीं है। लेकिन अब अल्टीमेटली उन्होंने मान लिया है कि वो कमीशन की बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि ये पांच एसोसिएट्स मेंबर है और इनका शामिल होना बड़ा जरूरी है। ये एक पॉजिटिव बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मान लिया है। कमीशन की रिकमेंडेशन में इनकी भी डेलिब्रेशन होना बड़ा जरूरी है। स्टेक होल्डर्स हैं, ये भी अपनी रिकमेंडेशन बता सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीप और पॉजिटिव अप्रोच है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी, जिन्होंने हमें बहुत बखूबी जितनी भी जानकारी थी वो दी। और अगर हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से जो है सारी जानकारी हमें देखने को मिली है। और ये हमने आपको जानकारी दी डिलिमिटेशन कमीशन की, जहां पर हर एक 20 जिलों के डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, उनको लेटर लिख दिया गया है। उनसे जो जानकारी है वो मांगी जा रही है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब देखना ये होगा कि आगे अब एक साल के भीतर क्या कुछ रिकमेंडेशन आता है, और जब कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम होगा तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उनके द्वारा क्या कुछ यहां पर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया जाता है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की और बात करेंगे सांबा की, क्योंकि सांबा से बात करते हैं तो वहां से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा के सभी 110 पंचायतों में कोविड केयर सेंटरों में संसाधन बढ़ चुके हैं और धीमी गति से हो रहे संसाधनों की आपूर्ति ने अब जोर पकड़ लिया है वहां पर, और कोविड केयर सेंटरों में ऑक्सीजन की भी आपूर्ति दी जाएगी। और ये यहां पर हम आपको सांबा की खबर बता रहे हैं, जहां पर जितने भी 101 पंचायतें हैं वहां पर कोविड केयर सेंटरों का जो काम चल रहा था, जो संसाधन वहां चल रहे थे, वो पूरे जोरों शोरों से चलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत इस समय आ रही थी उसकी आपूर्ति के लिए यहां पर पूरे तरीके से काम जो है वो हो रहा है। और ये कोविड केयर सेंटरों की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके के वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जो केसेज है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो और समय रहते ही उन पर काबू पा लिया जाए। और जितनी भी 101 पंचायतें हैं वहां पर इस तरीके के कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत कहीं पर ना हो, उसको उसकी आपूर्ति के लिए भी यहां पर जो काम है वो जोर शोर से चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बताते हैं तो ये कोविड मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये जो फैसले हैं ये लिए जा रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करें तो वहां पर क्योंकि कोविड जो है बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, तो कोविड तेजी से फैलने के लिए हर जगह पर जो है कोविड केयर सेंटर्स बनाने की बात की गई थी। खासकर अगर हम पंचायतों की बात करते हैं या गांव, जितने भी गांव के जिले हैं, जितने भी गांव के इलाके हैं, वहां पर काफी जरूरत थी इन कोविड केयर सेंटर्स की। अब उनके कामों को लेकर जोर पकड़ती हुई सरकार नजर आती है और स्वास्थ्य विभाग भी इस तरफ बहुत संगीन नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक करते हैं ऋषि की तरफ, और ऋषि से जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, किन चीजों पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वहीं पर ऋषि, पहला मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर हम 101 पंचायतों की बात करते हैं तो यहां पर कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो उस बीच किन चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि केसेस जो है अब वो गांव के जितने भी इलाके हैं वहां से भी निकलते हुए सामने आ रहे हैं, उस बीच ये संक्रमण ज्यादा तेजी से ना फैले उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां ध्यान से की जाएंगी और किन को ज्यादा जो है अहमियत यहां पर दी जाएगी। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा फैसला था कि ग्रामीण इलाकों में लोग जो वो परहेज नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक परिवार में कोई ऐसा सदस्य संक्रमित आ जाता है तो उसे अलग से आइसोलेट किया जाए, उसी को लेकर ये सारी मुहिम चलाई गई थी। और पंचायत लेवल पर ये सारे जो 5 बेड्स की फैसिलिटी दी गई थी कि कोविड सेंटर वहां पर बनाए जाएंगे। सांबा जिला की 101 पंचायतें और 101 पंचायतों में जो इनिशिएटिव है जिला प्रशासन सांबा ने ये पूरा उसको आगे बढ़ाया है, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए। और आपको बता दें कि पहले शुरुआती दिनों में लगातार सुविधाओं को लेकर काफी एक चिंता बनी थी कि कोविड सेंटर तो बना दिए गए, यहां पर बेड्स की फैसिलिटी भी दे दी गई, लेकिन उसके बाद जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाएं खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करें तो वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही थी। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से पहुंचाना है, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर जो स्टाफ चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे वहां पर सुविधाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं और स्टाफ की वहां पर तैनाती भी की जा रही है। और उसी के साथ साथ अब हम ये कह सकते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी किसी कोविड सेंटर में कोई पेशेंट नहीं आया है, ये एक अच्छी बात है और हम उम्मीद करेंगे कोई ना आए। लेकिन तीसरी वेव का जो जिक्र किया जा रहा है कि अगर तीसरी वेव घातक साबित होती है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर डालती है,
तो उसको लेकर अब प्रशासन को पहले ही तैयारियां करने की काफी जरूरत थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सुविधा सारी दी जा रही है, तो अब तीसरी वेव को हम अगर गांव देहात में देखते हैं तो उसे हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक संभाल सकते हैं। उसी को लेकर ये तैयारियां अब ये सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन अभी भी इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जिस तरह से पंचों को ये कहा गया था। जानना चाहूंगी, देखिए कोविड केयर सेंटर्स में जो इंतजाम है वो भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं और पूर्ण तरीके से वहां पर हर एक सुविधा पहुंचाई जा रही है, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करते हैं तो ये जो ग्रामीण इलाके हैं, जो 101 पंचायतों के इलाके हैं, वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है? क्योंकि अगर हम बात करें तो 18 साल से ऊपर के जितने भी आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभी करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये चीज कही थी कि 21 जून तक जो है सबको मुफ्त वैक्सीनेशन मिलेगी और वैक्सीन पूरे तरीके से हर एक जगह पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वहां पर अगर हम सांवा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 101 पंचायतें जो वहां की है, वहां पर किस तरीके की वैक्सीनेशन ड्राइव देखने को मिल रही है? देखिए, मैं वैक्सीनेशन के दो आपको पहलू बताऊंगा। एक तो 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको लगातार वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और इसका समय में 99% जो वो कंप्लीट प्रोसेस चुका है। और गांव इलाकों की बात करें, 101 पंचायतें, तो वहां पर हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, वो सब सेंटर जो है, वहां पर ये जो कैंप लगाकर अलग अलग जगहों पर ये वैक्सीनेशन प्रोसेस को चलाया गया। अब बात ऐसी आती है दूसरी, 18+ से 44 साल तक के जो लोग हैं उनको अभी जिला सांबा में वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अभी इनके पास ये वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू ही नहीं किया गया क्योंकि इनके पास स्टॉक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से ये गांव देहात पे जाकर कैंप्स लगाकर ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस को चलाया गया 45 साल के ऊपर के लोगों को, उसी तरह से 18 प्लस के लोगों को भी इसी तरह से चलाया जाएगा। क्योंकि एक ही रास्ता है इस कोविड से बचने का कि यहां वैक्सीनेशन हर एक व्यक्ति को दी जाए। अब मेरा एक छोटा सा ये भी एक हित में रखना चाहता था कि जिस तरह से पंच सरपंचों को ये कहा गया कि आप अपने अपने इलाकों में कोविड सेंटर्स की तैयारी करिए, कोविड सेंटर खोल दिए गए, सारी सुनिश्चित कर दिया गया प्रशासन द्वारा सुविधाओं को, लेकिन अभी भी एक दिक्कत ये आ रही है कि जो 1 लाख रुपए का उन्होंने कहा कि आपने खर्चा करना है, वो 1 लाख का खर्चा कहां से करेंगे पंच सरपंच? उनको भी फंड्स अवेलेबल नहीं करवाए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो पंचायत लेवल पर कैपेक्स का बजट आता है, जो 23 लाख का बजट सैंक्शन किया गया था, निर्धारित किया गया था, उसमें से वो 1 लाख रुपए एडजस्ट किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी कैपेक्स बजट का जो पैसा निर्धारित किया था वो पैसा अभी पंचों के खाते में नहीं आया है। और अगर इस कोविड में जो कहा जा रहा है कि 1 लाख तक का आपने खर्चा करना है, खर्चा तो तब होगा जब आपके पास फंड अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं होंगे तो आप खर्चा किस तरह से करेंगे? तो ये एक कोऑर्डिनेशन की जो वो कमी आ रही है प्रशासन और सरपंच पंचों के बीच में, इस चीज को दुरुस्त करना होगा अगर अच्छे से इन कोविड सेंटर्स पर सुविधाएं मुहैया करवानी है। जो सुविधाएं जो ये मरीज होंगे, जो संक्रमित लोग होंगे गांव देहात में, उनको वक्त पर सुविधाएं मिल पाए, ये सारी सुविधा तो दे रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रशासन के इस पहल का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन इसको जो सही तरीके का अमली जामा पहनाना है वो तो प्रशासन ने पहनाना है। इसलिए हम ये अपील करेंगे प्रशासन को कि पंच सरपंचों की ओर ध्यान दिया जाए और जो बजट का आपने जो हवाला दिया है उस बजट को उनके खाते में डाल दिया जाए, ताकि अगर कुछ चीजें उनको लेनी पड़ती है, बाहर से भी लेनी पड़ती है, तो वो वक्त पर ले, वक्त पर पेशेंट्स तक वो चीजें, वो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ऋषि संवाददाता जो कि सांबा से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके के अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें, कोविड सेंटर्स की बात करें, उसको लेकर वहां पर क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है, उससे बखूबी हमें ऋषि ने रूबरू करवाया। और ये थी पूरी अपडेट जो हमने आपको जो सांबा में बनाए जा रहे हैं वहां पर किस तरीके के इंतजाम है। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन की तरफ और रामबन से भी एक बहुत ही अहमियत यहां पर खबर जो है वो देखने को मिल रही है और बहुत जरूरी खबर जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि अगर हम रामबन की बात करते हैं तो रामबन के चंद्रकोट में संदिग्ध परिस्थितियों में बिजली की तारें वहां पर कटी हुई मिली और बिजली की तारें क्षतिग्रस्त होने से वहां पर 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। गर्मी के मौसम में बिजली की सप्लाई ठप होने की वजह से लोगों में हाहाकार मच चुका है और ये जो पूरे का पूरा वाकया है ये रामबन से देखने को मिल रहा है और लोगों ने प्रशासन से यहां पर एक्शन लेने की गुहार भी लगाई है। ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए पहले नजर डालते हैं कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। ये डिमांड्स रहेगी कि आपको पता है कि इस वक्त गर्मी शिद्दत पकड़ी हुई है गर्मी ने, और जो हमारी नेशनल हाईवे पर ये कुछ तारे हैं जो जैसे LNT की तार नीचे एक मोहल्ले में जाती है, नीचे गुजर मोहल्ला है बस्ती, वो भी तारे रात को तोड़ दी, और उसके बाद यहाँ पर जो है मस्जिद की लाइन टूट गई, उसके बाद ये हमारे मोहल्ले में कुछ जाती है ये तोड़ दी, और बड़ी जो रात को हम बहुत शिद्दत की गर्मी बर्दाश्त करते रहे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सिर्फ 200 मीटर के अंदर ये तारें कैसे टूटती है। अगर
ओवरलोड गाड़ियां जा रही है, बड़ी ओवर हाइट की गाड़ियां अगर जा रही होती तो कम से कम बाजार में भी तारे टूट जाती। ये यहाँ पर तारे, इसको हम तहकीकात चाहते हैं, इसको पुलिस को या बाकी जो भी एजेंसियां हैं वो तहकीकात करें कि कौन सी गाड़ियां यहाँ रात को चलती रही, कोई बलवा लेता रहा या और कोई काम करता रहा। ये काम हम तहकीकात चाहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती सरजद ना हो और इस तरीके से मनमानियां ना की जाए। ये मनमानियां करने से मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रही है। तो ये हम किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करना चाहते, लेकिन जो डिपार्टमेंट का काम है, जो एजेंसियां हैं उनका काम है, वो अपना काम करें, देखें कैसे टूटी, उनके नजर के सामने काम हो रहा है, जिस एरिया में तार टूटी है वहां पर काम देख लें, बाकी चीजें देख लें और वो तहकीकात कर लें। बात तो सच है कि यहाँ पर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ चंद्रकोट में जो टेम्परेचर है जम्मू के मुकाबले में जा रहा है, बहुत शिद्दत की गर्मी है और दो दिन से गर्मी बढ़ रही है। इसके साथ साथ गर्मी में लोगों की जो प्रॉब्लम्स है इसमें और इजाफा हो जाता है, जबकि रात को यहाँ पर मस्जिद के साथ साथ जो हाईवे पर हाईवे है वहाँ पर रात को तारें जो हैं वो किसी गाड़ी से लकड़े सी वजह से टूट गई हैं और पूरे मोहल्ले में जो बिजली है वो गुल हो चुकी है, जामे मस्जिद में भी बिजली नहीं है और लोग इसकी वजह से तड़फ रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि तहकीकती एजेंसियाँ इसमें ज़रा छानबीन करें और उस शख्स की निशानदेही करें कि ये तारें किसने तोड़ी हैं और क्यों तोड़ी हैं और इतनी कितनी लापरवाही है, कितनी ओवरहाइट में भी वो तारें जाकर तोड़ दी गई हैं। अगर इसी तरह से ये मसला चलता रहा तो आइंदा के लिए रोज दिन ये प्रॉब्लम होगी, आइंदा के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और जो भी इसमें मुर्तकिब है उस मुर्तकिब को कम से कम भी उसकी किए की सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। देखा आपने ये जो पूरा मामला है ये रामबन का है और लोगों का क्या कुछ कहना था वो भी आपने बखूबी सुना, क्योंकि तीन दिन हो चुके हैं और तीन दिन से अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट से यहाँ पर नहीं आया और किसी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं नदीम की तरफ और नदीम से जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह है। नदीम, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रामबन के चंद्रकोट इलाके की, तो तीन दिन हो चुके हैं ये जो तारे हैं इसी तरीके से जमीन पर पड़ी हुई हैं, तो क्या अभी तक विद्युत विभाग से कोई भी ऐसा ऑफिसर या फिर कोई भी उनके डिपार्टमेंट का इंसान जो है अभी तक नहीं आया ये सब चेक करने के लिए? देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये जो तीन दिन है, तीन दिन से यहाँ पे टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि ये जो तारे कटी हुई है इसको एक दिन का अरसा गुजर गया, हालांकि जो गुजश्ता शब है उस दिन ये तारे कटी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां एक तरफ पे टेम्परेचर में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ तारों का इस तरह से दरमियानी शब में कट जाना लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात का बाइस बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज बताना और अहम है, क्योंकि ये जिस जो तार कटी हुई है ये जो चंद्रकोट के कुछ मोहल्ला जात को बिजली फराहम करती है ये डिपार्टमेंट ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है पीडीसी उनकी लाइन है, जो यहाँ के लोकल जो एरियाज है उनको बिजली दी गई है। अब वहां के लिए क्योंकि जहां पे पीडीडी की तार हो तो वहां पे पीडीडी के लाइन्समैन और जेईज वगैरह पहुंचते हैं लाइट की रिपेयरिंग के लिए, लाइट की जो तार गिरती है उसकी रेस्टोरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये जो है इन लोगों को दी गई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तार कटी कैसे, क्योंकि लोगों से जब हमने बात की लोगों को कहना था यहाँ पे क्योंकि हाईवे भी है और हाईवे पर से गाड़ियां चलती है। अब दो तरह के शक है, एक तो ये कि यहाँ पे जो फोर लेनिंग का काम चल रहा है उसमें भी डंपर चलते हैं और दूसरी तरफ हाईवे पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट चल रहा है वो भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तार कटी किस वजह से। अब इस मामला में पुलिस तहकीकात करे और असल जो कसूरवार है जिनकी वजह से ये नुकसान हुआ है वहां उन तक पहुंचा जाए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों के सामने इस तरह की मुश्किलात का जो अंबार न लगे, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से तार कटी और इस वक्त शिद्दत की गर्मी है, टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो अगर ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी में अगर आपके पास कूलर फैन एसी वगैरह न चले तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। अब लोगों की यही डिमांड है कि इस मामला की तहकीकात की जाए कि तारे कटी कैसे और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बिजली का जो कट होना इस तरह की मुश्किलात का सामना लोगों को जो चंद्रकोट से ताल्लुक रखने वाले उनको सामना ना करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जो कि रामबन से हमारे साथ जुड़े थे और पूरा क्या कुछ मामला है उसके बारे में नदीम ने हमें अवगत करवाया। और ये हम आपको चंद्रकोट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो तारे हैं वो जमीन पर पड़ी हुई है और लोगों में काफी ज्यादा जो परेशानी है और गर्मी की वजह से हाहाकार जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है।
तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं सीडी हॉस्पिटल की। जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में जम्मू में सीडी अस्पताल में कोरोना के मात्र 31 मरीज दाखिल है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश्वर शर्मा के मुताबिक पहले इस अस्पताल में बड़ी संख्या में कोरोना भर्ती थी, लेकिन अब इस रफ्तार पर काबू पा लिया गया है। अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पताल नॉन कोविड मरीजों के लिए खोल दिए गए हैं। सीडी हॉस्पिटल में आज के दिन 31 पेशेंट्स हैं, एडमिटेड हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले से जो ट्राइज में पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे, वो नंबर बहुत कम हो गया, और फिर भी जो पेशेंट आ रहे हैं, नंबर कम है लेकिन काफ़ी सारे सिक आ रहे हैं। यहाँ से ही पेशेंट वैसे ही जैसे पहले ट्राइजिंग हो रही थी ऐसे ही हो रही है। कुछ मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, कुछ DRDO भेज रहे हैं, हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, कुछ CD में एडमिट हो रहे हैं। बाकी जो नंबर कम होने के बाद बाकी हॉस्पिटल में जैसे सुपर स्पेशलिटी साइकियाट्री, SMGS हॉस्पिटल, कोट बलवाल हॉस्पिटल या राजीव गांधी हॉस्पिटल, अब पेशेंट नहीं यहाँ से भेजे जा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने, प्रिंसिपल मैडम के ने उनको डीनोटिफाई कर दिया और वहाँ पे आम जैसे पेशेंटों का इलाज होता था नॉन कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट के लिए खोल दिया। तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ की तरफ। पुंछ जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के कारण लोगों की आम जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर और अपने इंडिया गवर्नमेंट के न्यायाधीश की गहराई से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस वबा बीमारी से लोगों को भी बचाया और लोगों का मुस्तकबिल मजबूत किया और तमाम आने वाली नस्लों का भी बेहतर से बेहतर हल किया। लेकिन आज हम न्यायाधीश की गहराई से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये आज ग्रीन जोन बना दिया, आज लोगों को राहत मिली, सामान वगैरह हर चीज़ सब्जियां वगैरह लेके जा रहे हैं और बड़ी खुशी से, हमें बड़ी खुशी है, न्याय थी ये खुशी है कि एक तो अल्लाह माला ने किया ये वबा से भी इस वक्त निजात मिल रही है। जो जो वैक्सीनेशन वगैरह किए हैं, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन थी वो आवाम ने भी पूरी की हैं और इंशाल्लाह हम इसी तरह शाना बिशाना इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलेंगे। मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर पुंछ का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये जो जो ये काम किए हैं ये बहुत। ये सबसे पहले तो पुंछ के लोगों को बड़ी मुबारकबाद है कि पुंछ को ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया है, जिसका ग्रीन जोन का मतलब है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोविड को लेकर जो सावधानियां बरती हैं उसका फल हमें ये मिला है कि आज हम ग्रीन जोन में आए हैं। और इसका जो मेन श्रेय जाता है हमारे DGP साहब का, हमारे SSP साहब का, उनकी पूरी टीम का ये श्रेय जाता है। और सबसे जो बड़ा श्रेय जाता है वो जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में पूरा पालन किया है और हर तरह की जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन मिली हुई थी उनको पूरी तरह से पालन किया है। ऐसे ही हमारे जितने भी पुंछ के जो लोग हैं, जो पुंछ के शख्स यहाँ पे बसिंदे रहने वाले हैं, उन्होंने भी पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दिया है। वैक्सीनेशन के टाइम वैक्सीनेशन लगाई है, जब उनकी टेस्टिंग का टाइम आया टेस्टिंग करवाई है और बिल्कुल उन्होंने प्रशासन का साथ दिया है। और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हो कि बाजार चहल पहल हो रही है, लोग भी खरीदारी कर रहे हैं और अच्छी तरह से जो मैसेज जाना था पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को वो आज हमने दिया और पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया कि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग भी पालन करते हैं, लॉकडाउन का पालन करते हैं, SOP का पालन करते हैं, जिसकी वजह से हम आज ग्रीन जोन। जम्मू ऑल इंडिया टैक्सी सुमो टेम्पो यूनियन ने सरकार से बाहर आने वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसने की अपील की है। जम्मू टैक्सी स्टैंड के इंचार्ज अनिल कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाली गाड़ियां फुल रेट के साथ आ रही हैं और दलालों की मिली भगत से वे यहां से आधे रेट में ही सवारियां भरकर ले जाते हैं, जिससे उनका कारोबार चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही कालाबाजारी चलती रही तो वे कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे और कहां से इंश्योरेंस टोकन फी वगैरह भर पाएंगे। उन्होंने प्रशासन से इस मामले का जल्द संज्ञान लेकर उनसे इंसाफ की गुहार लगाई है। और हमारे को यह दिक्कत आ रही है कि हमारी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां यहां पे 2 साल से गाड़ियां खड़ी हैं
और एक्चुअली में जो एक मेन मुद्दा हमारा ये है, जो पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं, दिल्ली पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जो वहाँ से गाड़ियाँ वहाँ वो फुल रेट लेके आ रही हैं, और यहाँ से वो 10,000 एजेंट करता है, 5,000 उस गाड़ी वाले को देते हैं और 5,000 में वो गाड़ी चला जाती है, और हमारी गाड़ी का रेट है 12,000 रुपये दिल्ली का, हमें 12,000 भी नहीं मिलता है, इसलिए हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। और हमारी इंश्योरेंस गाड़ियों की 34,000 रुपये इंश्योरेंस है, पहले 2,400 रुपये टोकन था, 2,400 की जगह इन्होंने 4,800 रुपये टोकन कर दिया और पैसेंजर टैक्स कर दिया। यूटी में पैसेंजर टैक्स माफ होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पैसेंजर टैक्स। तो चलिए अब रुक करते हैं कश्मीर की तरफ, क्योंकि कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योंकि अगर हम आपको बता दें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की आज श्रीनगर में एक अहम बैठक होने जा रही है। महबूबा मुफ्ती के आवास पर दोनों नेताओं में मुलाकात होगी और डिलिमिटेशन को लेकर आ रही खबरों के बीच कश्मीर में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, और दोनों नेताओं में बैठक के दौरान हो सकता है कोई बड़ा फैसला। ये जो खबर है ये सीधा कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की आज एक अहम बैठक होगी, और उसमें उस बैठक से क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि जहां पर डिलिमिटेशन की खबरें सामने आ रही है उस बीच इस तरीके की बैठक होना कहीं ना कहीं जो घाटी में हलचल है, जो सियासत गहमा गहमी है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सीनियर साथी रूफ की तरफ, और रूफ से जानते हैं। रूफ, अगर हम बात करें ये जो यहां पर मीटिंग बुलाई जा रही है जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती रहेंगे, तो क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब डिलिमिटेशन की बातें जिस तरीके से शुरू हो रही है तो काफी ज्यादा पॉलिटिकली हमें देखने को मिल रहा है कि काफी हलचल होती हुई नजर आ रही है। तो इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़े फैसले जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल पल्लवी, ये मीडिया जो खबरें आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की जो मुलाकात है वो एक्सपेक्टेड है आज, और फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पे जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और ये ठीक उस वक्त मुलाकात हो रही है जब कल दिल्ली में एक आली सतह मीटिंग बुलाई जा रही है, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कयादत में एक मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें बहुत सारे मुद्दों को रखा गया, मामला बहुत सारे, कोविड 19 भी है, वैक्सीनेशन भी है, यात्रा भी है, डिलिमिटेशन भी है, कश्मीर के हवाले से भी मामला है। तो उससे ठीक पहले अब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की मुलाकात, तो इसको मुख्तलिफ जायों से देखा जा रहा है कि क्या कुछ मीटिंग में हो सकता है। देखिए, अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही जो पार्टी बनाया गया था उन्होंने पहले इनकार किया था कि हाँ वो डिलिमिटेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और यहाँ की बाकी पार्टीज का तो ज्यादा रोल बनता ही नहीं था क्योंकि तीन पार्लियामेंट मेंबर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है, तो उस वक्त उन्होंने इनकार किया था। फिर हालिया दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजलास बुलाया, वर्किंग ग्रुप का इजलास बुलाया, जहां पर यह तजवीज रखी गई कुछ लोगों की तरफ से क्या डिलिमिटेशन का हिस्सा बने या ना बने, और उसमें मुतहदा तौर सारे जो मेंबरान है उनने फैसला लिया कि यह फारूक साहब पर डिपेंड करेगा, फारूक साहब जो फैसला ले सकते हैं वही फैसला हर एक लीडर को कबूल होगा। और अब फारूक साहब इस हवाले से आज जो है ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि काफी टाइम से मुलाकात हुई नहीं, और जो इन्होंने पीपल्स अलायंस भी बनाया था, जो गुपका डिक्लेरेशन बना था उसमें भी कोई ज्यादा पहल हुई नहीं उसके बाद, तो आज काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। अभी क्या कुछ मुलाकात के बाद सामने आएगा, मगर जो अभी की रिपोर्ट्स की बात करें तो दोपहर के करीब मुलाकात हो सकती है दोनों लीडरों के दरमियान। देखिए आरूफ, अगर हम बात करें तो एनसी की अगर बात की जा रही है तो पहले बॉयकॉट किया गया था डिलिमिटेशन कमीशन को, और अब जो है इतनी एक्टिवनेस दिखाना और पीडीपी के अध्यक्ष के साथ जाकर बैठक करना, तो इससे क्या अटकलें लगाई जा रही है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जो एनसी है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन में जो रिकमेंडेशन आएगी उसका फायदा उठा सके? देखिए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मामला बहुत सारे हैं। अभी कश्मीर के दावे के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अफवाहों का बाजार भी गर्म है कि बहुत कुछ होने वाला है, सिक्योरिटी को काफी बढ़ाया जा रहा है, और साल 2019 की बात करें जिस तरह उस वक्त अफवाहें चल रही थी वही अफवाहें यहाँ पे चल रही है कि इधर अनंतनाग को लेकर या बारामूला को लेकर या सेंट्रल कश्मीर को लेकर बहुत सारे मामला हैं, तो इस हवाले से भी मीटिंग हो सकती है, इस पे भी बात हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी रूफ, जो कि कश्मीर से जुड़े थे और डिलिमिटेशन को लेकर वहां पर किस तरीके की पॉलिटिकली हमें रंजिश देखने को मिल रही है और हलचल देखने को भी मिल रही है, सबसे बड़ी बात यह है, तो उसके बारे में रूफ ने हमें अवगत करवाया। तो आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।